हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे एल्टो 800 स्टैंडर्ड। ये जो कार देख रहे हैं, ये मेरी खुद की कार है और ये मैंने खुद लिया था 2021 में गाइस। और इस गाड़ी को मैंने एक साल चलाया है और एक साल चलाने का बाद क्या होगा, इस गाड़ी का टायर देख सकते हो। मैं टायर के बारे में बात करेंगे। तो टायर आप लोग देख सकते हो, अभी तक 99% अभी तक टायर है, एकदम ब्रांड न्यू टायर है इस एल्टो 800 में। और इस गाड़ी का जो इनसाइड है, इसके बारे में बात करेंगे। इनसाइड के बारे में दिखाऊंगा मैं आप सभी को, इंटीरियर के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो, सीट कवर पूरा फ्रेश न्यू सीट कवर है। और दोस्तों, मैंने इस गाड़ी को कितना किलोमीटर रन कर चुका हूँ मैं दिखाता हूँ। 87,515 किलोमीटर मैंने रन कर चुका हूँ। और ये जो गाड़ी है, ये है 2015 मॉडल है। तो गाइस, अगर आप लोग इस एल्टो 800 को ले रहे हो तो क्या प्राइस होगा। मैंने इस गाड़ी को लिया है 1,55,000 में, सेकेंड हैंड लिया है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इट्स मी जियादुल जेज इंटरनेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये है मेरा पर्सनल कार है, आप लोग देख सकते हो, जे एच इंटरनेट यूट्यूब चैनल का ओनर का कार है गाइस। और मैंने इस कार को लगभग 1 ईयर से चलाया हूँ। इस कार को आप लोग देख सकते हो, एल्टो 800 स्टैंडर्ड मॉडल है। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो लेफ्ट व्हील है, लेफ्ट टायर है, आप लोग देख सकते हो, इसकी ग्रिप है 99% ग्रिप अभी तक है, पूरा न्यू कंडीशन है टायर का। तो दोस्तों, और एक है मेरा पास जीजा ई रिश्का, और मैं इसकी वीडियो पिछले लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट करके देख सकते हो। ओनर रिव्यू वीडियो है मेरा चैनल में। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इस गाड़ी को मैंने कितना किलोमीटर चलाया है, 49,756 किलोमीटर चलाया है। और अभी इसकी चार्ज है 2.52 वोल्ट अभी तक चार्ज है इस ई रिक्शा में। और फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो, फ्रंट व्हील है अभी तक 65-70% ग्रिप अभी तक है। और इस गाड़ी का जो बैक साइड आप लोग देख सकते हो, बैक्स जो ई रिक्शा का जो बैक साइड है, मैंने एक व्हील कैप लगाया है बैक व्हील में। और दोस्तों, इस गाड़ी को मैंने अभी चार्जिंग में लगाया है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको 50% की जो पॉइंट है, इसको ब्लिंक हो रहा है। और गाइस, अगर आप लोग इस ई रिक्शा को अगर आप लोग लेना है सेकेंड हैंड में, 70,000 या 60,000 में आप लोग ऐसा कंडीशन का ई रिक्शा मिल जाएगा। इसमें मैंने गूगल के पे का QR कोड मैंने यूज़ किया है, और आप लोग देख सकते हो, ये मेरा ई रिक्शा है।